आपके जो मंत्री हैं, सरकारी मंत्री जो हैं, उनके माने स्कूल में कैंपस के अंदर चखीरा मिलता है शराब का, आपने उसको उनको मंत्रालय थमाए हुए हैं, तो आप उन पर कार्रवाई कीजिए अगर आपकी मंशा सही है तो। कल ही हमने देखा सदन के अंदर भाजपा के मंत्री का क्या रवैया था, वो जब सदन के अध्यक्ष को इस तरीके से बोल सकते हैं तो आप समझिए कि सड़क पर चलते हुए अगर कोई आदमी से वो टकराए उसकी तो क्या उस हालत कर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, आपके साथ मैं अमन कुमार। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेके कल भी मीडिया के सामने बोला था कि शराबबंदी कानून को लेके हम लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं। इस पे बात करने के लिए माले विधायक संदीप सौरभ हमारे साथ हैं, लगातार सदन में छात्रों का मुद्दा ये उठा रहे हैं। संदीप, नीतीश कुमार ने कल संबोधित कर रहे थे मीडिया को, तो उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून जो लगाया गया है उस पर हम सख्त कार्रवाई करें, तमाम जो शराब माफियाओं को पकड़ने का काम कर रहे हैं। तो हम तो नीतीश बाबू से यही पूछेंगे कि क्या अब तक आप सख्त कानून नहीं लाए थे, अब तक क्या आप गंभीर नहीं थे? आप तो बार बार ये कहते रहे कि हम गंभीरता से इसको लागू करेंगे, लेकिन कभी दिखा नहीं लागू होते हुए। पूरे बिहार के अंदर शराब माफियाओं का एक खुला खेल चल रहा है, सरकार की, सरकारी विभागों की, पुलिस की, उसमें खुलेआम भागीदारी है, ये सब लोग जान रहा है। हर जगह होम डिलीवरी हो रहा है, लेकिन शराबबंदी के नाम पे जो गिरफ्तार हो रहे हैं लोग, जो जेल में सड़ रहे हैं, वो तमाम लोग गरीब, दलित, पिछड़े इलाके से हैं, पिछड़े तबके से लोग हैं। तो सरकार की मंशा जो है वो तो ये नहीं दिख रही है। आपके जो मंत्री हैं, सरकारी मंत्री जो हैं, उनके माने स्कूल में कैंपस के अंदर जखीरा मिलता है शराब का, आपने उसको उनको मंत्रालय थमाए हुए हैं, तो आप उन पर कार्रवाई कीजिए अगर आपकी मंशा सही है तो। तो शराबबंदी को लेकर के जुमले परोसे जा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि बिहार सरकार तनिक भी शराबबंदी को लेकर के गंभीर है, शराब को लेकर के गंभीर है। आपने बोला कि मंत्री को बचाया जा रहा है, जुमले पेश किए जा रहे हैं, कल उन्होंने इस पर भी सफाई दी और कहा कि 10 सालों से मंत्री और उनके भाई से कोई रिश्ता नहीं है, और उनका ये भी कहना था कि मंत्री जी लगातार ये कह रहे हैं कि अगर उनके भाई सम्मिलित है तो उन पर कार्रवाई की जाए। देखिए, ये तो बचाने का तरीका है, बचाने के निकलने का तरीका है, ये तो कल बात आई। मुद्दा तो 10 दिन से हम लोग उठा रहे हैं सदन के अंदर, 10 दिन से तो जवाब ये नहीं आया था कि मंत्री भाई से हमारा ताल्लुक नहीं है। भाई से आपका ताल्लुक नहीं है, लेकिन स्कूल से इनका ताल्लुक जरूर है। जिस स्कूल में शराब का जखीरा मिला है, उस स्कूल, वो स्कूल किसके नाम पे है? वहां के अलग अलग पद पे यही लोग तो बैठे हुए हैं, खुद मंत्री जी बैठे हुए हैं उसमें, तो ये कहने की बात है। आप कार्रवाई कीजिए सीधे, मंत्री पद से हटाइए उनको। लॉ एंड ऑर्डर की भी बात कर लेते हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक करें, लेकिन बिहार में क्राइम बढ़ा। उनका कहना है कि जहां लोग रहते हैं वहां अच्छे और बुरे दोनों लोग रहते हैं, क्राइम करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि क्राइम को ना कर। देखिए, ये तो पहले की सरकार से, जब सरकार अपनी तुलना करती है नीतीश कुमार की सरकार, राजद की सरकार से, तब तो ये नहीं कहती है कि उस समय भी ऐसे लोग होंगे। असल में जो सुविधा आपको लगेगा, जिस तर्क से आपको लगेगा कि हमारा, हम अपने आप को डिफेंड कर लेंगे, वो तर्क आप लेकर के आ रहे हैं। तो क्राइम का जहां तक बात है, आज तो बिहार की हकीकत ये हो चुकी है कि हर अखबार में जिस दिन फ्रंट पेज पर क्राइम की खबरें नहीं रहती है, तो हम लोग को चिंता होने लगती है कि नीतीश कुमार का गुड गवर्नेंस कहीं फीका तो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बिहार की जनता अभ्यस्त होती जा रही है। हर दिन क्राइम की रिपोर्टें आ रही है, जातिगत हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा, महिलाओं के साथ उत्पीड़न, उनका बलात्कार, हत्या, डकैती, सब चीज़ तो चल रहा है, बैंक रॉबरी हर दिन चल रहा है। तो और आंकड़ा, सरकार का आंकड़ा भी ये कह रहा है कि 101%, इनके पहले की जो सरकार थी राजद की, उस समय से 101%, मतलब लगभग दोगुना इजाफा हो चुका है। तो कहाँ आपने कंट्रोल रखा है? अब कहने की बातें हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में खबरें आप छपने नहीं देंगे, इसका पूरा मूल्यांकन आप होने नहीं देंगे, जो अखबार आपके खिलाफ छाप देगा उसको आप सरकारी प्रचार नहीं देंगे, कुछ भी विज्ञापन देना बंद कर देंगे, तो अखबार डर से नहीं छापेंगे। लगातार जंगल राज की बात कही जाती है, लेकिन जिस तरह से इन दिनों बिहार में क्राइम बढ़ रहा है, नीतीश कुमार कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, क्या कोशिश करना सही था या फिर इस पर सख्त कार्रवाई करनी? एकदम इस पर सख्त कार्रवाई सरकार को करना चाहिए, और सख्त कार्रवाई सरकार करने में विफल क्यों होगी ये भी हम जान रहे हैं, क्योंकि सरकारी तंत्र जो है, खास करके जब से भाजपा के शरण में नीतीश कुमार गए हैं, तो समाज के अंदर जो बाहुबली तबका है, जो सामंती दंभ से भरे हुए लोग हैं, इन तमाम लोग का संरक्षण भाजपा में मिलता है, भाजपा के नेता लोग ऐसे हैं। कल ही हमने देखा सदन के अंदर भाजपा के मंत्री का क्या रवैया था, वो जब सदन के अध्यक्ष को इस तरीके से बोल सकते हैं, तो आप समझिए कि सड़क पर चलते हुए अगर कोई आदमी से वो टकराएं तो उसकी तो क्या उस हालत कर देंगे।
तो यही चल रहा है बिहार में, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश कुमार पूरी तरह से फेल है, कतई फेल है, एकदम ही फेल है। तो ये थे संदीप सौरभ, जिनका साफ शब्दों में कहना था कि नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कतई फेल हैं, और जो वो लगातार क्राइम की बातें कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को हम ठीक कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ढोंग रचा जा रहा है, और नीतीश कुमार पूरी तरह से अब अपने काम को लेकर विफल हो चुके हैं। सही तमाम अपडेट्स लाइव बिहार देते रहेगा, अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।